भोपाल में आयुष्मान कार्ड के जरिए फर्जी इलाज का बिल लगाकर सरकार से करोड़ों रुपए लेने का मामला सामने आया है। मामला खजूरी रोड के वैष्णव मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का है। अस्पताल ने 62 मरीजों की भर्ती बताकर सरकार से आयुष्मान योजना में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान ले लिया, जबकि इसमें से 32 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए ही नहीं। इसकी शिकायत आयुष्मान योजना के सीईओ अनुराग चौधरी ने भोपाल क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई। क्राइम ब्रांच ने वैष्णव हॉस्पिटल के मालिक विवेक परिहार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा डॉक्टर पद्माकर त्रिपाठी की रिपोर्ट पर वैष्णव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विरुद्ध एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जहां पर आवेदन में हॉस्पिटल पर आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा जो मरीज हितग्राही नहीं थे उनका पैसा फर्जी बिलों द्वारा क्लेम किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। क्राइम ब्रांच द्वारा इस पर प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना आरम्भ कर ली गई है। क्राइम ब्रांच शीघ्र ही संबंध में जांच पड़ताल और लोगों के कथन लेगी, पूछताछ बयान के आधार पर आगे की जो कार्रवाई होगी उसको करेगी।